विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 63 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। जहां पार्टी ने 6 कैबिनेट मंत्रियों समेत 24 विधायकों को टिकट थमाए हैं, वहीं 25 विधायकों में से पौड़ी विधायक सुंदरलाल मंद्रवाल का टिकट पार्टी ने काट दिया है। जहां कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी की, वहीं इस लिस्ट में हरीश रावत और किशोर उपाध्याय की छाप भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर तेजी से पैदा होने लगे हैं। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद राज्य की 70 में से 63 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जहां कांग्रेस के 25 में से 24 विधायकों पर दोबारा कांग्रेस दांव खेल रही है। वहीं इस बार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमाई है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पैराशूट पहनकर टिहरी से सीधे सहसपुर में उतर गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस बात से चौंकाया कि परिवार में से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, और इस बार एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिला। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस में वह सब हो गया जिसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा। टिकट न मिलने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में फूटा। टिकट नहीं मिलने से खफा प्रत्याशियों के समर्थकों ने पार्टी प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय में हंगामा काटा और मुख्यमंत्री हरीश रावत और किशोर उपाध्याय सहित कांग्रेस के आला कमानों के पोस्टर भी फाड़ डाले। हंगामा करने वालों में सहसपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता सबसे आगे हैं, जिनका गुस्सा किशोर उपाध्याय को सहसपुर से टिकट देने पर फूटा। हम सब लोग चाहते हैं कि जो माननीय किशोर उपाध्याय जी जो लगातार 2 बार टिहरी से विधायक बने और तीसरी बार कुछ मामूली बहुत 377 वोटों से मात्र हारे, तो आज सब लोगों की एक यहां पर आवाज़ है। वो चाहे हमारी विधानसभा का प्रत्येक नागरिक, हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जो हमारे जितने हमारे कांग्रेस के लोग हैं, सब लोगों की एक आवाज़ और एक मांग है कि माननीय किशोर उपाध्याय जी को टिहरी से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। ये सब लोगों की हमारी मांग है, हम सब टिहरी वासियों की एक मांग है, क्योंकि उन्होंने जो विकास की वहाँ पर एक नींव रखी, लगातार 10 सालों में विकास की नींव रखी, और आज विकास कार्य जो धरातल पर आ रहे हैं, तो आज सब लोगों की एक मांग है कि किशोर उपाध्याय जी को वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालत यहां तक पहुंच गए हैं कि पार्टी कार्यालय को भी बंद करना पड़ा। जहां अभी 7 सीटों पर नामों की घोषणा होनी बाकी है, वहीं कांग्रेस में और भी बागी पैदा होना तय है। जहां बागियों ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, वहां आज सभी बीजेपी का दामन थामे चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए अब और ज्यादा मुश्किल वह कार्यकर्ता पैदा कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों से टिकट का इंतजार किया है और कल उनका नाम टिकट लिस्ट में नहीं आया। एक बात में आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हमारा जो विरोध है या आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, वो पूरे प्रदेश में नहीं है। सिर्फ देहरादून में कुछ सीटों पर, एकाध सीटों पर आपको विरोध दिख रहा है, वरन भाजपा में 60% कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हुआ है। 22 से 24 सीटों पर विरोध है। हमारा जो विरोध कार्यकर्ताओं का है वो देहरादून सेंट्रिक है। पूरे उत्तराखंड में आपको कोई घटना नहीं दिखाई पड़ी होगी जिसमें विरोध हमारे कार्यकर्ता कर रहे हों। और मैं इस बात को बहुत ही लाजमी और स्वाभाविक मानती हूँ, क्योंकि 1000 से ज़्यादा आवेदन थे और आहत होती हैं भावनाएं, बहुत ठेस पहुँचती है जिन समर्थकों के प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन पार्टी नेतृत्व के लिए भी बहुत ही पशुपेश और कश्मकश की ये स्थिति थी कि टिकट तो एक ही को मिलना था, और ऐसे में इस तरह का विरोध होना बहुत ही लाजमी बात है और ये क्षणिक है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इनको सबको मना लिया जाएगा। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये कांग्रेस का ही हाथ मजबूत करने में आगे आके सहयोग करेंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। भाई ऐसा है, कुछ चीजें होती हैं, ये तो समय है, सब चीजें सब समय से दूर हो जाती है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से पवन नेथानी।